नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का एक टॉपिक है जो आपके भविष्य में आने वाले साल में आपके काम आएगा और जो अभी स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं उनके भी काम में है। ये टॉपिक का नाम है CUET। क्या है ये CUET? इसके बारे में आज जानकारी देंगे। इसका पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है क्या? ये संपूर्ण भारत की जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 41 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है 2022 से। अब आपको इंडिया की 41 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि सेंटर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनमें एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, आपको एक एग्ज़ाम देना ही होगा, जिस एग्ज़ाम के थ्रू आपका वहां पर एडमिशन होगा। जो सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहते हैं, वह CUET की तैयारी करने में जुट जाएँ। क्या होगा इनका एडमिशन प्रोसेस? सबसे पहले आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये जो फॉर्म होगा आपके अप्रैल महीने से भरने शुरू हो जाते हैं। देन उसके 1 मंथ बाद आपको डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड मींस आपके एग्ज़ाम के 1 वीक पहले ये एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। अपेयर होने के बाद जैसा आप एग्ज़ाम देंगे उसकी प्रोसेस के थ्रू रिज़ल्ट आएगा। ये रिज़ल्ट आपका जुलाई में आएगा और एडमिशन प्रोसेस आपकी अगस्त में शुरू हो जाएंगी। अब CUET 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा? ये जो होगा आपके पास BHU, DU, JNU, AU, AMU, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या होगा। ये कॉलेजेस पहले अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या होगा, सारे एग्ज़ाम, सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर क्या करती हैं, एक ही आपके पास एग्ज़ाम लेंगी, जिसका नाम होगा CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आखिर इसका सिलेबस क्या होगा? बच्चों, इसका सिलेबस आपकी बुक से, आपके चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। ये NCERT की किताबों से ही आपका जो 11th 12th पढ़ रहे हैं उसी के अंदर के ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं से आपका पेपर बनेगा। कौन सी हैं वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की हैं, उसके बारे में देखते हैं हम। ये रही आपके पास टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो आपके सामने है। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। ये हमारे मध्य प्रदेश का और भारत का तृतीय नंबर का बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है। नेक्स्ट 4th नंबर पे, जिसका नाम सभी को पता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। और ऐसे आपके पास टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको और जानकारी आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। उनकी एक तस्वीर, एक झलक उन यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अब इसका जो 2022 का जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ हो चुका है, वो आपके पास अप्रैल मंथ में ही हो गया है। इसके एग्ज़ाम जो होने हैं वो आपके पास जून में हो जाएंगे और जुलाई में आपका रिज़ल्ट आ जाना है और अगस्त में आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। ये रही आपके पास CUET के एग्ज़ाम की कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये सेकंड बिगेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंडिया का, जिसमें 2022 में 9.14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब इस, और ये कोई फेंका फाकी न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं, यह एक ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि द
टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू दी जा रही है। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।